नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र द्वितीय प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित कबीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने कबीर के पदों को लेकर चर्चा की है और आज की जो कक्षा है उसमें भी कबीर का एक पद हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या को हम समझने जा रहे हैं। और यह पद भी अंधविश्वास और पाखंड को चुनौती देता हुआ पद है। आप सभी जानते भी हैं कि निर्गुण संत कवि कबीर जो हैं वो पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते हैं और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। वे मन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता के समर्थक हैं। उनका प्रस्तुत पद में भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को अपने मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। बाहरी आवरण से, भले वो कपड़े हों, भले वो और कोई प्रसाधन सौंदर्य हो या सौंदर्य के उपादान हो या किसी विशेष वस्त्र धारण करने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, कबीर का मानना है कि मनुष्य को अगर कुछ करना चाहिए तो अपने मन को पवित्र करना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद में उसे अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी में से लिया गया है और प्रस्तुत पद में कबीर ने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया है। तो आज का हमारा पद है वह भी व्याख्या की परीक्षा की दृष्टि से भी, और अगर हम जीवन में अपनाना चाहें तो उस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं पहले आज का पद, उसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। देखिए कितना पहली पंक्ति से हमें आभास हो जाता है कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारे मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गेले बकरा। जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गेले बकरा। मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गेले लबरा। कहे ही कबीर सुनो भाई साधो, दम जम दरवजवा बांधव बांधल जैसे पकड़। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं पहली पंक्ति में। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। यहां पर वे व्यंग्य करते हैं उन साधुओं पर जिन्होंने केवल कपड़े रंग लिए हैं। जैसा हम देखते हैं बहुत से जो साधु हैं वे गहरा वस्त्र धारण करते हैं, इसी के साथ अलग अलग संप्रदाय और धर्मों में लोग अलग अलग तरह के वस्त्र धारण करते हैं जिससे जन सामान्य को यह पता लग सके कि वे अपने ईश की आराधना करने वाले लोग हैं। तो कबीर यहाँ पर उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, यानी जोगी ने अपने मन को नहीं रंगा है, केवल कपड़ों को रंग लिया है। और केवल कपड़ों के रंगने से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रंगने की अगर आवश्यकता है तो मन को रंगने की आवश्यकता है। किसके रंग में रंगने की आवश्यकता है? उस ईश्वर के रंग में रंगने की आवश्यकता है, उस परवरदिगार के रंग में रंगने की आवश्यकता है जिसको कोई भी साधक मानता है। यानी जो भी साधक जिस भी आराध्य को मानता है
अगर रंगने की आवश्यकता अपने मन को तो उसके रंग में रंगने की आवश्यकता है। तो कबीर कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, और आसन मार करके मंदिर में बैठ जाते हैं, अपने धार्मिक स्थल में बैठ जाते हैं। ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, ब्रह्म को तो छोड़ देते हैं, जो ईश्वर है उसको तो वे लोग छोड़ देते हैं, और पूजन लागे पथरा, और पत्थरों को पूजने लगते हैं। देखिए कबीर ने न केवल इस पद में अपितु अन्य पदों में भी पाहन पूजा का, पत्थर पूजा का, बाहरी आवरण का बहुत अधिक विरोध किया है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, इस पर भी अगर बात करें तो कबीर ने एक अन्य दोहे में भी लिखा है, भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरणी आकाश, भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरणी आकाश, भक्त लीन हरि चरण में भेष जगत की आस। यानी भक्ति में और भेष में, वस्त्र धारण करने में, केवल विशेष वस्त्र धारण कर लेने में और भक्ति करने में बहुत अंतर है, जैसे धरणी आकाश, जितना पृथ्वी और आकाश में अंतर है उतना ही अंतर है। फिर कहते हैं, भक्त लीन हरि चरण में, भक्त तो हरि के चरणों में लीन रहता है, भेष जगत की आस, और जो वस्त्र धारण करने वाला है वह जगत की आशा लगाए रखता है, अर्थात उसका जो एक तरह से यूं कहें कि उसकी जो भावना है, उसका जो लगाव है, उसकी जो आशा है, वह इस संसार की ओर ही लगी रहती है। किसकी? केवल वस्त्र धारण करने वाले की जो आशा है, जो आकांक्षा है, वह इस संसार से ही लगी रहती है, जबकि जो भक्त होता है वह तो उसके चरणों का दास हो जाता है, उसकी तो जो लोह है, उसकी जो लगन है, वह उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगी रहती है। तो यहाँ पर भी कबीर इसी बात को कहते हैं, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, और उन्होंने ब्रह्म को तो छाड़ दिया, ऐसे लोग जो धार्मिक स्थलों पर बैठ गए हैं, उन्होंने जिसकी भक्ति करनी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए हैं, उसको तो छोड़ दिया है और पत्थर को पूजने लग गए हैं, जो मूर्त रखी है मंदिर में या धार्मिक स्थलों पर, जो मूर्त रखी है उन मूर्तों को पूजने लग जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि ब्रह्म को तो छोड़ दिया है उन्होंने उसके नाम को तो छोड़ दिया है, और वे पत्थर पूजा करने लग गए हैं। कबीर ने अन्य अनेक पदों में भी पाहन पूजा का, पत्थर पूजा का विरोध किया है। एक दोहा उनका आप सभी को भी याद होगा, जिसमें वे लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। यानी पत्थर के पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूज लूँ, पूरे के पूरे पर्वत की पूजा करने लगूँ, परंतु उससे कुछ होता नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले, अगर पत्थर के पूजने से अगर हरि मिले, अगर भगवान मिले, तो मैं पूजूँ पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं उससे तो चाकी अच्छी है, घर में आटा पीसने के जो काम आती है चक्की, वह ठीक है कि उससे संसार पीसता है और संसार पीस करके खाता है, उससे तो वह चाकी अच्छी है। तो कबीर ने वहाँ भी मंदिर में जो मूर्त है, जो धार्मिक स्थल पर जो मूर्त है, वहाँ पर उसका भी विरोध किया है। फिर आगे कबीर लिखते हैं, कन वा फड़ाए जोगी जट वा बढ़ोली, बहुत से साधु संन्यासियों को हमने देखा होगा जो कान फड़वा लेते हैं और कानों में बड़े बड़े कुंडल आदि धारण कर लेते हैं। कुछ साधुओं को, संन्यासियों को, कुछ भक्तों को हमने इस तरह से भी देखा होगा कि जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ा ली हैं, जिन्होंने, वे भले किसी भी धर्म के हों, किसी भी मत धर्म और संप्रदाय को मानने वाले हों, किसी के भी अनुयायी हों, तो कबीर यहाँ पर कहते हैं, कनवा फड़ाए जो कि जटवा बढ़ो ले, योगियों ने कान फड़वा लिए हैं, जटाएँ बढ़ा ली हैं, और वे किस प्रकार के हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ाए दाढ़ी भी बढ़ा ली है, हो ही गेले बकरा, वे बकरे की तरह से हो गए हैं, जिस बकरे को कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, जिसकी दाढ़ी बहुत अधिक बढ़ जाती है और उनकी स्थिति जो है उस बकरे की तरह से हो जाती है। कबीर यहाँ पर तुलना करते हैं उन योगियों की, उन सन्यासियों की, जिन्होंने केवल दाढ़ी बढ़ा ली है,
जिन्होंने वस्त्र रंग लिए हैं। देखिए कबीर एक बात, एक केवल एक पक्षीय बात नहीं कर रहे हैं, कबीर केवल वस्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, जिन्होंने कान फड़वा लिए हैं, जिन्होंने लंबी लंबी जटाएं बढ़ा ली हैं, लंबे लंबे बाल जिन्होंने कर लिए हैं, जिन्होंने कान फड़वा करके और अनेक प्रकार के आभूषण ग्रहण कर लिए हैं, योगियों में और अनेक संप्रदायों में यह प्रथा है कि जो भी कोई शिष्य बनता है उसके कान फाड़ दिए जाते हैं, कानों में छेद कर दिए जाते हैं और उन्हें कुंडल आदि पहना दिए जाते हैं। तो कबीर यहाँ पर उसी बात का विरोध करते हैं और वे लिखते हैं कि केवल कान फड़वा लेने से, केवल जटा बढ़ाने लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, कान फड़वा लेने से और बाल बढ़ा लेने से, जटाएं बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु होने के लिए तो किसकी जरूरत है, मन को रंगने की जरूरत है। फिर कहते हैं जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, जंगल में जाकर के और जो योगी है वह धुनी बना लेता है, धुने में पूजा करते हैं और दुनिया रमा ली जाती हैं। धुनी एक प्रकार का स्थल जहाँ पर योगी आदि जो भक्त हैं वे अपने आराध्य की पूजा करने के लिए हमेशा उसमें अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। तो ये कहते हैं कि जहाँ पर जंगल में जाकर के योगी धुनिया रमोले, योगी ने धुनिया अपने वहाँ पर धुनी बना ली है, काम जराए योगी होए गेले हिजरा, और काम को जला करके और वह हिंजड़े के बराबर हो गया है। देखिए कबीर ने काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट प्रपंच ईर्षा द्वेष आदि सभी का विरोध किया है। इस पद में कबीर लिखते हैं जंगल जाए जोगी धुनिया रमोले, जंगल में जाकर के योगी ने धुनी बना ली है, अपनी धुनी बना ली है, और काम जराए जोगी होए गेले हिजरा, और काम को जला करके योगी की जो स्थिति है वो हिंजड़े के समान हो गई है। आप सभी ये जानते होंगे कि कबीर ने कभी भी घर बार नहीं छोड़ा, कभी कभी जंगल की ओर प्रस्थान नहीं किया, कभी कभी उन्होंने इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया, यानी जो कबीर ने माना कि जो सहज रूप से हो। कबीर ने लिखा भी है सहज साधना, जो सहज रूप से साधना हो। कबीर ने गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम माना है क्योंकि गृहस्थी में वो सभी कुछ सहना पड़ता है, सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वो भी होते हैं, उसके बावजूद भी कबीर ये मानते हैं कि उस ईश्वर को पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो जब सब जगह है तो उसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में रह करके भी जो व्यक्ति है वह अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रख सकता है। तो कबीर कहते हैं जंगल जाए जोगी धुनिया रमोले, जंगल में जा करके और योगी ने धुनी बना ली है, काम जराए जोगी होए गेले हिजरा, और काम को जला करके और योगी जो है हिंजड़े के बराबर हो गया है। यहाँ पर कबीर काम का ऐसा नहीं है कि कबीर यहाँ पर काम के कोई समर्थन करते हैं, परंतु कबीर कहते हैं कि इस प्रकार का जो असहज जो प्रयत्न है वह कबीर को स्वीकार्य नहीं है। जो भी असहज प्रयत्न है वह स्वीकार नहीं है, न कबीर को जंगल में जाने का जो स्वीकार्य है वह अच्छा लगता है कि उसके लिए उस ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाया जाए, कहीं और जाया जाए, क्योंकि कबीर का तो मानना है खोजी हो तो तुरंत मिलो, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलो हूँ पल भर की तलाश में, कहते कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास। तो कबीर तो मानते हैं कि उस ईश्वर को पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो केवल पुकारने की आवश्यकता है। अगर उसको खोजना है तो अंतरतम में खोजना है, उसे कहीं मंदिर में नहीं खोजना है, कहीं मठ में नहीं खोजना है, कहीं गिरजा में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं नहीं खोजना उसको। अगर उसको ईश्वर को खोजना है तो अपने अंतर में खोजना है, और अपने अंतर में जब उसको खोजेंगे तो वह सहज रूप से मिल जाएगा। तो यह भी कबीर कहते हैं
कि जंगल जाए जो कि धुनिया रमोले, जंगल में जाकर के जो योगियों ने बड़ी बड़ी धुने रमा ली है, और काम जराए जो कि होए के लिए हिजरा, काम को जला करके वे हिंजरे के समान हो गए हैं। यहाँ पे कबीर सहज साधना की बात करते हैं, सहज रूप से इंद्रियों के दमन की बात करते हैं, और फिर कहते हैं मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, अपना माथा मुंडा करके योगियों ने कुछ साधु संन्यासियों को देखा होगा जो अपने शरीर पर जो राख आदि होती है उसको धारण कर लेते हैं, मस्तक पर भी धारण कर लेते हैं, जो अपने सर को मुंडा लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है कि मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, माथा मुंडा करके योगी ने कपड़े रंग लिए हैं। देखिए कबीर एक अन्य पद में भी कहते हैं कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो हरि कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंड ते भेड़ ने बैक उठ जाए। मुंड मुंडाए हरि मिले तो हरि कोई ले मुंडाए, अगर मुंड मुंडाने से, अगर सर को मुंडवाने से हरि मिल जाए तो फिर तो सब मुंडवा लें और सभी के सभी उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। कबीर कहते हैं कि यह संभव नहीं है, अगर ऐसा है तो बहुत सहज बात है, और ईश्वर को पाना केवल इन बाहरी उपादानों से, बाहरी प्रयत्नों से संभव नहीं है, उसको अगर पाना है तो कबीर लिखते हैं मुंड मुंडाए हरि मिले तो हरि कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंड ते भेड़ न बैकुट जाए। भेड़ को तो बार बार मुंडा जाता है, न जाने कितनी बार मुंडा जाता है, उसके बाल कितनी बार उतारे जाते हैं। फिर अगर ऐसा हो तो भेड़ को तो बैकुट चला जाना चाहिए था, परंतु ये बात उसके लिए भी संभव नहीं है। तो कबीर कहते हैं कि मथवा मुंडाए जो कि कपड़े रंगो ले, कि माथा मुंडा करके और योगी कपड़े रंग करके, और फिर गीता बांच के होए के लिए लबरा, और गीता बांच करके गीता के कुछ श्लोक कुछ पद याद करके, गीता को जिस भी तरह से जो भी आधा अधूरा पढ़ करके जिस भी तरह से उसमें से ज्ञान प्राप्त करके होए के लिए लबरा, और वह लबरा बन जाए। लबरा कहते हैं किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले को या डींग हाँकने वाले को, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसे किसी विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद भी वह अपने ज्ञान का अनुचित प्रदर्शन करता है, जो डींगे हाँकता है, जो बेकार की जो फालतू की बातें करता है, उसे लबरा कहते हैं। तो कबीर कहते हैं मथवा मुंडाए जो कि कपड़ा रंगो ले, मस्तक मुंडा करके, माथा मुंडा करके, सर मुंडवा करके, और जो कि कपड़ा रंगो ले, योगी ने कपड़े रंग लिए हैं, और गीता बांच के होए के लिए लबरा, और गीता कुछ गीता उन्होंने पढ़ ली है या कुछ अन्य धर्म शास्त्र उसने पढ़ लिए हैं, और ये सारा पढ़ करके और वह लबरा बन गया है, अर्थात वह इस प्रकार की डिंगे हाँकने लग गया है, वह अपने आप को ज्ञानी समझने लग गया है। देखिए कबीर ने ज्ञान और प्रेम को बहुत महत्व दिया है, कबीर ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं, परंतु यहां पर कबीर कहते हैं कि केवल इतना भर हो जाने से, केवल इतना काम कर लेने से, यानी माथा मुंडा लिया, कपड़े रंग लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, और ये सब कुछ करने से, कान फड़वा लिए, इतना कुछ करने से, गीता के कुछ श्लोक याद कर लिए या धर्मशास्त्र के कुछ श्लोक कुछ पद या कुछ अंश उसका याद कर लिया, और उसके बाद में वह अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ करके और ज्ञान का बेकार में बखान करता रहे, आधा अधूरे उस आधे अधूरे ज्ञान को लोगों के सामने परोसता रहे, लोगों को वह ज्ञान देता रहे। तो कबीर कहते हैं गीता बांच के होए गेले लबरा, वह तो गीता बांच करके या किसी कोई धर्मशास्त्र पढ़ करके और वह तो लबरा हो जाता है, डींग हाँकने वाला बन जाता है, वह तो एक तरह से अपने अज्ञान को दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता है। कहे ही कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं हे साधो सुनो, जम दरवाज दम जम दरवाज वाला बांधव जले पकड़ जैसे पकड़ा। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधो, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, और वह बात क्या है कि ऐसे लोग जो इस प्रकार का पाखंड करते हैं, इस प्रकार का आचरण करते हैं, और इस प्रकार के आचरण से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वे जम के दरवाजे पर, यम के दरवाजे पर, यम मृत्यु, यानी वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देखिए मृत्यु को सभी प्राप्त होते हैं, परंतु कबीर मानते हैं कि मोक्ष को प्राप्त होना है, मुक्ति को प्राप्त होना है। कबीर का मत है कि जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे काल को प्राप्त होते हैं, और जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं
उनकी हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से, इस सांसारिकता के लिए मुक्ति हो जाती है। कबीर मुक्ति को महत्व देते हैं। तो कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधो, ऐसे लोगों की जो स्थिति है वो इस प्रकार की हो जाती है कि उनको यम के दरवाजे पर बांध दिया जाता है, अर्थात वे हमेशा मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं, या वे हमेशा मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं। उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो कबीर का देखिए कितना महत्वपूर्ण पद है और कितना एक संदेश देने वाला पद है। यह अलग बात है कि इस संदेश को कितने लोग समझ पाए हैं, कितने लोग नहीं समझ पाए हैं। इस पर, इन सारी बातों को, कबीर के इन संदेशों को समझने में और कितने युग बीतेंगे, कितना समय लगेगा, यह अलग बात है। बाकी कबीर के जो पद हैं वो वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और प्रस्तुत पद भी जो है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, देखिए आपने इस पद को सुना, इस पद की व्याख्या भी आपने समझी, कितना महत्वपूर्ण पद है। मन ने रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, एक बार पुनः मैं इस पद को आपके लिए इसका वाचन कर देता हूँ जिससे आपको याद हो पाएगा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पथरा। आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गेले बकरा। जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गेले हिजरा। मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गेले लबरा। कहे है कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधव जैसे पकड़ा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कितना महत्वपूर्ण पद है। तो आपने इस व्याख्या को सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह व्याख्या आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। परीक्षा में आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे अंक मिल पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम बात करते हैं इस पद के विशेष के बारे में। तो विशेष में हम लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कबीर ने पाखंड और अंधविश्वास को चुनौती दी है। कबीर को किसी भी स्तर पर जो अंधविश्वास है वह स्वीकार्य नहीं है। प्रस्तुत पद में कबीर ने उन साधु संन्यासियों के लिए, उन योगियों को एक तरह से व्यंग किया है, उनको चेतावनी दी है कि अरे सज्जनों, अरे साधु, अगर तुम इस प्रकार से सारे पाखंड को, इस प्रकार से बाहरी प्रयत्न के द्वारा ही तुम इस ईश्वर को, अपने आराध्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भूल कर रहे हैं। और प्रस्तुत पद में कबीर ने एक संदेश देना चाहा है मानव समाज को भी कि केवल बाहरी आवरण से कुछ नहीं होता। अगर आपको रंगना ही है, अगर आपको कुछ करना ही है, तो आपकी सत्यता या आपके जीवन का जो सार है वह इस बात में है कि आप बाहरी दिखावा नहीं करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने आचरण को पवित्र करें, तभी आप उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या आप किसी का विस्मय प्राप्त कर सकते हैं, आप मानवता को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम समानांतर पदों की अगर हम बात करें, इसी के समान अन्य जो पद हैं उनकी हम बात करें, तो आप इसमें लिख सकते हैं जहाँ पे पहले मेरी इसी पद में बात हुई कि कबीर ने लिखा भी है कि भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरनी आकाश, भक्त लीन हरि चरण में भेष जगत की आस। मुंड मुंडाए हरि मिले तो हरि कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भीड़ न बैकुट जाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। आदि ऐसे अनेक पद हैं जिसमें भी इसी प्रकार का भाव है, यह भी आप विशेष के रूप में लिख सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पद बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में कबीर के एक नए पद के साथ में। तब तक के लिए आपसे अलविदा।